वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये हर कोई जानना समझना चाहता है, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर कहें तो चीन विवादित तरीके से कब्जा करके दूसरे देशों को अपना बताता है और वो चाहता है कि दुनिया इसका समर्थन भी करे। यही है चीन का वन चाइना पॉलिसी। दरअसल वन चाइना पॉलिसी चीन की उस राजनयिक स्थिति को मान्यता देती है जिसके तहत सिर्फ एक चीनी सरकार का शासन मान्य है। चीन इस नीति के तहत ताइवान के अलावा हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग को अपना हिस्सा घोषित करता है, साथ ही उसे इन जगहों से जुड़े किसी भी मसले पर किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। इस पॉलिसी के तहत ही अमेरिका ने ताइवान नहीं बल्कि चीन के साथ अपने संबंध को औपचारिक मान्यता दी है। साल 1949 में जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ तब ये पॉलिसी अस्तित्व में आई थी। हारे हुए देश के लोगों को क्यूमेंटिंग कहा गया और ये लोग ताइवान चले गए। दोनों ही पक्ष अलग अलग जगहों से चीन का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते रहे, लेकिन वक्त के साथ चीन को ताइवान पर एडवांटेज हासिल होता गया। लेकिन इसी मुद्दे पर अब भारत के भीतर से आवाज उठने लगी है कि चीन की मनमानी के खिलाफ भारत को भी ताइवान तिब्बत कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि चीन के होश ठिकाने लगाए जा सके। इस मामले पर भारत की विपक्षी पार्टियां अब आवाज उठाने लगी हैं। देखिए, ताइवान में अमेरिका के एक हाई लेवल डेलीगेशन वहां पे एक भ्रमण के लिए गए हैं, बातचीत और चर्चा के लिए गए हैं। मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई कारण है जैसे कि चीन की सरकार अपनी चिंता व्यक्त करे। लेकिन हाँ, ऐसे हमने भारत के अंदर में भी देखा है कि जब हमारे सरकार के उच्च स्तरीय नेतागण और विदेश के जो यहाँ पे दूत हैं, राजदूत हैं, जब वो उत्तर पूर्वांचल जाते हैं, जब वे अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो चीन की सरकार इस प्रकार के बातचीत उठाती है जो आज वो ताइवान के संबंध में उठा रही है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को गौर से देखना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी को लेकर चीन सारी हदें पार कर जाने को राजी है। अगर ऐसे में LAC पर चीन लगातार मनमानी करता रहता है तो फिर भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को चुनौती देने का इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।